इट वाज गुड, बहुत अच्छा था. अलग ही एक्सपीरियंस होता है बिग बॉस के अंदर से. एंड इंडीड इंडीड इट्स वन ऑफ द बाहर से हमको बहुत अलग लगता है ऑब्वियसली, बट अंदर जाके जो प्रेशर होता है, जो चीजें होती है, वो बहुत ज्यादा होती है. एंड अभी शेक के साथ में आप बहुत अच्छी, आपका बॉन्ड दिखा है. मतलब मैं तो एक ऑडियंस की तरह देख रहा था, तो एक बहुत प्योर फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखा है आपका और अभिषेक का, जिसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं था कि कुछ गिव एंड टेक, ऐसा नहीं था कि जरूरी आपको ये करना है मेरे लिए ये करना है, जो भी चीज बहुत नेचुरल लग रही थी. एंड कितना पसंद आया आप बताओ, क्योंकि यार आपने उसको अंदर से देखा है, अंदर जाना है आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आंटी की आवाज सुनी आसपास, इफ शी इज देयर तो मेरा नमस्ते उनको, को मेरा नमस्ते. एंड आंटी जी को थोड़ा आराम करने के लिए छोड़ दीजिए. आंटी जी नमस्ते, ध्यान रखिए आप अपना. रही बात अभिषेक की, तो यार जेन्युइनली मतलब आई रिमेम्बर ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं गई थी शो पे उससे लड़ाई ऑन सम कुछ तो किसी बहुत ही छोटी सी बात पे मेरी लड़ाई हुई थी ना, उससे कितना बदतमीज लड़का है, इससे तो मैं पूरे शो पे बात नहीं करूंगी. बट देन आई डोंट नो हाउ कैसे इतना ऑर्गेनिकली हम बात करने लगे, और फॉर मी इट वाज लाइक कि चलो सबसे सब कुछ हो गया, बातें बातें हो गई, इधर उधर टाइम पास हो गया, सबने झगड़ा कर लिया, अब अगर अच्छे से हंसना है तो बैठ जाओ जाके अभिषेक के पास. एंड आप लोग तो सिर्फ थोड़े बहुत क्लिप्स देखते हो जो दिखाया जाता है. But I am telling you, I used to tell him also that you are like my best friend Ishan. He is so funny and उसका वो जो दूसरा side है ना, जो मतलब लड़ना वड़ना चीखने या चिल्लाना नहीं है, that side is so pure. Namaste. आंटी जी भी आ गई. आंटी जी. नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं? बढ़िया. आंटी जी का तो नाम रख दिया अभिषेक ने सैंडी. तो आंटी को सिर्फ सैंडी सैंडी बुलाया जाएगा. आंटी की सैंडी. खुश है मतलब. ट्रॉफी लेके बस पार्टी करेंगे. सारी दुआएं हैं उसके साथ. आई एम श्योर ऑल हिज फैंस आर वोटिंग फॉर हिम. And it's just a request to everybody who has watched his journey on the show. उस बंदे मतलब मैं उसके साथ रही हूँ and I know कि वो कितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करता है कि उसके लिए show कितना important है. More than anything, I think इस show पे रहने के लिए जो सबसे important चीज़ है कि आप real कितने हो. वो लड़ा है तो लड़ा है, वो खुश है तो खुश है. उसने कभी भी fake नहीं किया कोई चीज़. It's always He's been truthful to the show. उसके लिए जितनी उसके मन में जितना respect है show के लिए, मैं वहाँ रही हूँ तो मुझे पता है वो कितना बात करता था कि you know this show means so much. हमेशा वो बिग बॉस वाले बोर्ड को जाके टच करके आता था. बहुत मायने रखता है. हर किसी ने एक बार तो जरूर बोला है कि मुझे घर जाना है, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी नहीं बोला, इतनी तकलीफों के बाद भी नहीं बोला कि मुझे घर जाना है. एक और बात जो मैं ऐड करना, ढेर सारा वोट कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है. और अब तो आंटी एग्जैक्टली प्रेशर आ गई, अब तो नहीं पड़ेगा. गाइस वोट करो जल्दी से, टाइम बहुत कम है, जाके वोट कर दो. एक एक वोट काउंट होगा आपका. यस एंड वन थिंग टू जस्ट ऐड कि जो मैं नोटिस करती थी घर में, हम सब कभी ना कभी सो जाते थे, बट अभिषेक वाज द ओनली पर्सन जो पूरे घर में सोता कभी नहीं था. वो बैठा जाएगा, अकेला बैठा होगा, बट ही विल अवॉइड हिज बेस्ट कि वो सोए ना, क्योंकि उसको अपना इनपुट देना था शो के लिए. सो ही हैज एक्चुअली गिवन हिज ऑल हिज हार्ट आउट टू द शो. प्लीज प्लीज उसको प्यार दीजिए और प्लीज उसके लिए वोट कीजिए. सब कुछ दिया है, मतलब इतना रोया भी है, अपना पूरा हार्डवर्क किया है, टास्क में भी उसको पूरा 100% दिया है हमेशा. लोगों ने इतने डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे, बुली करा, हर चीज करा, हर चीज से हटके वो आया ऊपर. एंड अपने आप को हमेशा हमेशा बहुत टाइम तो सलमान उसको बोला, बट देन उससे भी वो निकल के आया, उसने सुनी बातें. एंड एक कम्प्लीट जर्नी जो होती है ना, बिग बॉस जनरली आई फील वो अभिषेक ने पूरी करी है. And I feel he is the only one who is deserving, जिसने start to end कुछ करा है, show को कुछ दिया है. उसने सब कुछ दे दिया है अपना उसने. Sandy जी आपका बेटा तो कमाल कर रहा है. मजा आ गया आंटी जी, मजा आ गया. We all are so proud of him. We all are genuinely so proud of him. Full India is genuinely so proud of him. कि ऐसे strong दिल से स्ट्रॉन्ग, दिमाग से स्ट्रॉन्ग इंसान होना बहुत मुश्किल होता है. एंड ही इज द वन. प्यार भी बहुत दिया है.
और उस प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद छोटा शब्द है, मतलब जितना धन्यवाद करूं कम है, इतना हर प्यार मिला है उसको। कि उसका बेटा अभिषेक जैसा हो और हर दोस्त चाहता उसका दोस्त हो, बस अब हर लड़की भी चाहे कि उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक जैसा हो। पागल के लिए लड़कियां पागल हो रही है, तो बस अब इंतजार अभिषेक बाहर है। कोई लड़की नहीं मेरे को मिल रही है, एक भी लड़की नहीं मिल रही है मेरे को। अब आंटी वो तो आपको मैं अभिषेक को चिढ़ाती थी शो पे कि ना तुम्हारा तो फॉलोअर्स माइनस में चल रहा होगा, -150। हम उसको खींचते रहते थे, परेशान करते रहते थे। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो बाहर आए और देखे कि उसने क्या कमाया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स अबाउट द लव। यू ऑल कंटिन्यू, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। बस मैं वंस अगेन सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, प्लीज वोट फॉर अभिषेक। माई हार्ट गोज आउट फॉर हिम एंड आई वॉन्ट him to win the show. Please. गुलाइशा ने तो बिल्कुल अंदर से देखा यार, she knows, क्योंकि उसको 100% पता है कि क्या चल रहा था, क्या चीजें थी। लड़ाइयां भी हुई आयशा के साथ में, बट स्टिल चल जाते हैं इंसान का पता कि इंसान, मतलब लास्ट में जब हमारी मसाले के ऊपर लड़ाई हो रही थी, मैं हमेशा उसको वही बोलती थी कि मत लड़ यार, मैं क्या लड़ूं तुझसे, मतलब। और पूरा घर मुझे हमेशा बोलता रहता था कि ये ना तेरे भी अगेंस्ट बात करेगा, तेरे भी अगेंस्ट बात करेगा। एंड देन फाइनली व्हेन वी फॉट, आई वाज लाइक अभिषेक क्या है ये, क्यों है। बदन उस फाइट में भी मैं खड़ी थी उसके साथ कि भाई गलती से हाथ ना उठ जाए लड़के का, बस। नहीं, उसे लड़ाइयां सबने करी, बट देन अभी कल की बात भी ले लेते हैं, जब रोहित सर ने पूछा था कि कौन फिनाले में होना चाहिए, तो उसने बोला विक्की भाई होने चाहिए। right. तो वो जेन्युइनली डिजर्विंग इंसान को आगे लेकर आना चाहता है, जो डिजर्विंग है उसको आगे रखना चाहता है। राइट, खुश हो गया आप तो। अब फाइनली कल सलमान सर के पास दो लोग खड़े होंगे। जिसने भी वोट नहीं की है अभी तक, वो जाके जल्दी से वोट करो प्लीज गाइस, प्लीज। एग्जैक्टली, हर एक वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग के वोट से जो होना है वो होना है, प्लीज मेक द डिजर्विंग वन विन। यस, कल दोपहर 12 बजे बंद हो जाएंगी वोटिंग लाइन, तो बहुत कम टाइम रह गया, जाके जल्दी से वोट करो अभिषेक को। एंड कुछ मत सोचो, ये मत सोचो कि हमारे एक वोट से क्या डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस होता है। एक एक पड़ेगा, बहुत एक वोट ही बहुत फर्क पड़ेगा। पूरा पंजाब वोट कर रहा है, पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया वोट कर रहा है। प्लीज, आपने तो चक्के फटे, बिल्कुल चक्के फटे 90 किली। अभिषेक कुमार जीतेगा बिग बॉस की ट्रॉफी, बिल्कुल जीतेगा। तुम शायर मत बन जाना अभिषेक, अभिषेक तो बन गया। मैंने जब पहली बार को शायरी बोलते हुए सुना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंसान के अंदर से ये आएगा। क्या ये क्या बोल रहा है, और ये इतनी एक्चुअली अच्छी अच्छी, और लाइक लिटरली 5 मिनट में बैठे बैठे उसके दिमाग में कुछ आता था, वो शायरी बोलता था ना, बस लाइक रियली अमेज्ड कि भाई मतलब आप टैलेंटेड। देखिए, 2-3 डायरियां पड़ी हैं मेरे पास लिखी हुई उसकी। ऑडियंस मुझको आपकी और अभिषेक की फ्रेंडशिप, मतलब मुझे कोई पूरी जर्नी में बिग बॉस की ना कोई चीज अच्छी नहीं दिखी, जो एक प्योर दिखा ना वो आपकी और अभिषेक की फ्रेंडशिप थी, बहुत प्योर थी यार, मतलब जेन्युइनली बहुत प्योर थी। जस्ट दिस वन रिग्रेट कि आने से पहले एक लास्ट वो टास्क के दौरान हमारी लड़ाई हो गई थी। अरे वो सब चलता रहता है, वो सब चलता रहता है, जब दो बर्तन होते हैं तो खटकते ही है। एंड एक और बर्तन से मुझे एक बात याद आई, एक जर्नी मैं बता रही हूँ कि शुरू में बिकॉज वी वर नॉट दैट गुड फ्रेंड्स, और एक लड़ाई हुई थी बर्तन को लेके, जहाँ पे विकी भाई ने अभिषेक को बोला था कि दो बर्तन धो दे आयशा के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स उस वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि हम उतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे। एंड देन उसके बाद आई रिमेम्बर आई गॉट अ कट ऑन माय हैंड, और मैंने बोला भी नहीं, एंड मैं किचन में गई और मैंने देखा अभिषेक ने मेरे बर्तन धो दिए थे, मेरे लिए वो मॉपिंग कर रहा था, मतलब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो आई डोंट नो कितना दिखाया है कितना नहीं, मैंने शो देखा नहीं आके, बट वो बंदा लाइक उस लड़ाई ना बोले चीज मैंने लाइव देखना छोड़ दिया था। आंटी ठग लाइफ है। मैं क्या, मैं नहीं देखूंगी ये गंदी सी लड़ाई, दो बर्तनों के लिए लड़ाई हो रही है, बताओ।
नहीं वो घर ही वैसा है आंटी, आप मतलब हम खुद अब जब मैं बाहर आती हूँ और सोचती हूँ कि इन चीजों के लिए लड़ाई की है तो समझ में भी नहीं आता, बट इट इज दैट वे। बट आई जस्ट होप अभिषेक के सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज वोट करिए उसके लिए, एंड ट्रस्ट मी ही हैज हैड अ जर्नी एंड ही मतलब he is that person उसके लिए शो बहुत मैटर करता है, उसने हमेशा एक्सप्रेस किया है कि ये शो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलो गाइस बाय, बहुत थक गई क्योंकि मेरी ट्रेन 9 घंटे लेट थी, इसलिए मेरे को बहुत आउट हो रही है, ऐसा लग रहा फील आएगा मेरे को, तो मैं रद्द करूंगी। ध्यान रखो आप, बहुत ध्यान रखो, कल वैसे भी ट्रॉफी उठानी है। ठीक है, बाय 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 टुमारो आंटी, बाय 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 बा